अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ शेख है। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के हिसाब से लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़कियां नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल दूसरा, मतलब एक मिनट की वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त की किल्लत। एक सवाल पूछिए, दूसरा सवाल की लाइन के पीछे जाइए, लाइन के पीछे जाइए, वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। भाई साहब का सवाल था कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है कि नहीं। मैं ऐसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग, LBW, लेग बिफोर विकेट। ने क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं, क्या इसकी इजाजत है? इस्लाम में देयर नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग। इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है। और एक कहावत है, इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी रादर देन मैरी द गर्ल यू लव। इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी। जो लड़की से शादी करो उससे मोहब्बत करो बेहतर है बनिस्बत जिस लड़की से मोहब्बत करती उससे शादी करो। अगर लैला मजनू की शादी होती थी तो शायद दूसरा को घर के हालात की वजह से क्या होता अल्लाह आलम। तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़कियों को देखा हुआ नहीं, तो जाके देखो। तो लड़की को देखना सुन्नत है, तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है। चुन सकते हैं लेकिन शरीयत के दायरे में, शादी के पहले बात भी कर सकते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है। लड़की का भाई होना चाहिए या लड़की की वालदा होना चाहिए या लड़के का वालिद होना चाहिए या वालदा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर दायरे में रहेंगे। नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है। अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है ये कॉलेज में बहुत परहेजगार है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से। अल्लाह के रसूल ने कहा कि शादी करने के लिए इंसान अपने जोड़े में चार चीज देखता है। नंबर एक, ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है, हैंडसम है। नंबर दो, वेल्थ, कितना पैसा है। नंबर तीन, नोबिलिटी, कौन से खानदान से आता है। नंबर चार, वर्च्यू, मतलब अच्छे अमाल। और सबसे बेहतरीन है वर्च्यू, तकवा, अच्छे अमाल। अफसोस की बात है, ज्यादा लोग ब्यूटी एंड वेल्थ, बैंक बैलेंस देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, देखना चाहिए तकवा। तो अगर आपको पता है कि एक लड़की है जो अच्छे तकवे मुत्तकी है और आप उसको पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो सही चैनल से आप अपने वालदेन से करो, अपने रिश्तेदार से करो, उनसे रिश्तेदार से मिले, आप बैठ के बात करो, एक बार मिलो, दो बार मिलो, तीन बार मिलो, मिलने की मुमानियत नहीं है, पूछो भाई क्या करना चाहते हैं, सब पूछ सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में। आप यह बोलेंगे वो अपने हिसाब में रहेंगे, नकाब करना फर्ज नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं चाहता हूं कि मैं आपको अलग पोस्ट में देखो, तो ये सब जायदाद, ये इजाजत नहीं है। आप बात कर सकते हैं, एक घंटा, दो घंटा पूछिए उसके बारे में, इल्मी बात के बारे में, नो प्रॉब्लम, बात कर सकते हैं, लेकिन साथ में महरम होना चाहिए, कौन ना कौन दूसरे आदमी, अकेले में नहीं मिल सकते आप। तो इसके दरमियान अगर आपको पता चले कि एक खातून है जो मुत्तकी है, या एक जन जाने के एक इंसान है मुत्तकी है और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सही तरीके से बिल्कुल कर सकते, ये इजाजत है। लेकिन घूमना फिरना और गैर इस्लामी काम करना ये हराम है। उम्मीद है कि जवाब